Welcome back to the technical crazy unboxing. तो चलिए शुरू करते हैं। खुला हुआ है? ये fake है? It's fake gym supplement in Canada, bro. Hello. I just ordered a pre-workout from. Guys, he's a fast bowler. वो भी left arm. 6 foot height है, guys. ये Australia में पैदा होना चाहिए था. मैंने ये window खोल दिया और यहाँ पर ये वाली window खोल दिया ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए यार। ये मैं फर्स्ट टाइम खोली है, मैंने आज कभी नहीं खोली, आज से पहले आज फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ। वो तो खुली रहती है, पता ही है सबको, क्रॉस वेंटिलेशन थोड़ी बहुत तो हो जाएगी। बेसमेंट का यही ड्रॉबैक है, मेन वेंटिलेशन नहीं है। बैड एस्पेक्ट, जब वैसे बेसिकली देखा जाए बेसमेंट के अंदर सिर्फ एक विंडो होती है, पर यहाँ दो हैं, तो टेक्निकली फायदे के अंदर है। वन ना, ये चेक कर रहा था वेदर, आज सनी है, पूरा सनी है, 26 डिग्रीज है। और गाइस यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है एग्जांपल के साथ। यूवी इज अल्ट्रावायलेट इज हाई नाउ एट लेवल 7, लिमिट योर टाइम इन द सन, यू विल मॉडरेट फ्रॉम। देखो गाइस कितनी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे गर्मी पड़ती है, सिर्फ 26 डिग्रीज है। पर फायदेमंद बात यह है, आज सनी है, कल थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा, कल फिर फ्राइडे को बहुत सारा क्लाउडी हो जाएगा, सैटरडे को फिर बारिश आ जाएगी, संडे को फिर से सनी हो जाएगा, फिर से क्लाउडी हो जाएगा, फिर से बारिश पड़ जाएगी, फिर से थोड़ी बहुत बारिश पड़ेगी, थोड़े बहुत क्लाउड्स निकलेंगे, थोड़ा बहुत सन निकलेगा। उसके बाद चेक करते हैं, ये सीन रहेगा, फिर से सनी, बारिश, सन क्लाउड्स, सनी, बारिश, मतलब 2 दिन धूप निकलेगी, बारिश होगी, फिर धूप निकलेगी, फिर बारिश होगी। तो ये यहाँ का मस्त 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 सीन है गाइस, बहुत मस्त सीन है। चिकन इज बीइंग बॉइल्ड हियर राइट नाउ। आज अपन जल्दी मील प्रेप कर रहे हैं क्योंकि रात को खाना बनाने का मन नहीं करता, फिर खाना सारा ध्यान दे उन सारा जंक फूड पे जाता है, तो जिम से पहले बना लो खाना, रात को आके खा लो, सिंपल। सो ऑल राइट गाइस, आज अपन रिसीव हुए ने जिम सप्लीमेंट्स दे पैकेट फ्रॉम Amazon। मैं मंगाया है, मैं तुम्हें दिखाना मैं की मंगाया है। सो टेक्निकली वेलकम बैक टू द टेक्निकल क्रेजी अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मंगाया क्रिएटिन, ये ए कंपनी का पहली बार मंगाया, मैं ये ट्राई करांगा, ये कैनेडा की कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं। साडे कोल गाइस प्री वर्कआउट, द मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुला हुआ है, देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने ऑथेंटिकेशन चेक करी अभी और हल्का सा टेस्टी करके देखा, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई सीन नहीं है। मैं डर गया भाई कि ये सीन क्या है, ये तो खुला, उसके ढक्कन खुला पड़ा था, तो मैं डर गया भाई क्या चक्कर क्या है ये। तो मैंने सारी ऑथेंटिकेशन चेक करी, सब एकदम ठीक है। तो गाइस अगर ऐसा कुछ सीन हो, सबसे पहले कंप्लेंट करनी है ऑब्वियसली Amazon से, जहां से मंगाया, और सो यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पैसे एक बार हो गए वेस्ट, अगर हो भी गए हैं तो जाने दो उसको, सोचो मत, हेल्थ प्रायोरिटी है, पैसे तो कमा लेंगे आगे जाकर, हेल्थ दोबारा ठीक नहीं होगी अगर ऐसा कुछ सप्लीमेंट के चक्कर में काम खराब हुआ, तो बी अवेयर। मैंने प्री वर्कआउट लिया जस्ट ये वाला रूथलेस प्री वर्कआउट आयरन ब्रदर्स, जो लगा था कि सप्लीमेंट फेक है भाई, इसको लेते ही बॉडी के अंदर करंट दौड़ने लग गए भाई। जो मतलब कनाडा के अंदर है ना वो, और जिम जाता है जो, उसको जरूर ट्राई करे इस वाले को, बहुत सही है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, एकदम सारी नींद भाग गई, जस्ट अभी उठा था मैं 8 बजे। गाइस वी आर बैक टुडे, शाम के 8:15 बजे, आज 30 मिनट्स लेट, हाँ अब ठीक है, 30 मिनट्स लेट क्योंकि सो गए थे, अब बैठे बैठे नींद लग गई, अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लेट हो चुके हैं फिलहाल के लिए। तो हमने सोचा है आज हम नहाएंगे नहीं, नहाना स्किप, जिम नहीं कटाना, नहाना स्किप करेंगे, जिम प्रॉपर फुल मारें, नो नहाई, आज डायरेक्ट जिम के अंदर घुसेंगे आज और तोड़फोड़ मचाएंगे, शोल्डर मारनी, शोल्डर प्रेस ट्राई करूंगा, 140 LBS फिर से लग जाए आज। तो गाइस मैं अभी सुपर सेट मार रहा हूँ ट्राइसेप का, इसके अंदर एक ये है, एक हम रोप मारेंगे और लास्ट में हम स्ट्रेच करेंगे ट्राइसेप, मशीन तोड़ेगा आज ये।
मेक श्योर कि हमारी एल्बो स्टेबल रहे, एल्बो हिले मत, ऐसे ऐसे नहीं करना, हमने एल्बो स्टेबल रखनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रोप, मेक श्योर कि हमारी एल्बो ऐसे ऐसे नहीं मूव कर रही है, हमें स्टेबल रखनी है। नाउ द लास्ट वन, दिस इज फॉर द स्ट्रेच। आज आपके सामने और पंप देखो गाइस, ट्राइसेप का बाइसेप पर भी आने लग गया लोड, तो यही करना है, हमें पंप भी चाहिए क्योंकि छोटा मसल है। बॉडी शेप में आते हुए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बॉडी का, लेग्स भी अब शेप मैन शुरू हो गई हैं, पहले बहुत वीक हुआ करती थी इंडिया के अंदर और यहाँ पर भी आते ही तो इम्प्रूव नहीं हुई, धीरे धीरे अलाइनमेंट आ रही है लेग्स की, लेग्स की अलाइनमेंट आ रही है गाइस। क्या लगाया आज? आज दिया चेस्ट और ट्राइसेप और अपना जो रेगुलर होता है शोल्डर्स, शोल्डर का बड़ा चक्कर है यार, ये ना एक्स्ट्रा ही हुआ पड़ा है। हाँ, इसके लिए आधा घंटा देना पड़ता है गाइस, अगर इंजरी हो रही है तो टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा गाइस, वरना ज्यादा हो जाएगा। एंड गाइस ही इज अ फास्ट बॉलर, वो भी लेफ्ट आर्म, 6 फुट हाइट है गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा होना चाहिए था। गुजरात के अंदर पैदा होगी गाइस, आप तो गलत हो गए, क्या करें, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गाबा, गाबा के अंदर पैदा होना चाहिए था, इंडिया हराएगी फिर, पंथर आएगा गाबा में जाके हराएंगे। कोई बात नहीं, हम भी कर रहे हैं इम्प्रूव, अपना भी शोल्डर इम्प्रूव हो रहा है, अपनी लेग्स इम्प्रूव हो रही हैं। हाँ, अब पोस्चर भी ठीक हो गया, देखा मेरे से मिलने का ऐसे ही होता है फिर। चलो गाइस, अब हम अपना नेक्स्ट वर्कआउट कर रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे, एक और सेट मारना है सुपर सेट ट्राइसेप का, वर्कआउट कम्प्लीट।